नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट शेयर्स के लेवल्स, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए और किस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, या कोई भी आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो किस स्टॉक में करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। इसमें कई सारे स्टॉक्स को मैंने लिया है, इन सारे स्टॉक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनके इंपॉर्टेंट लेवल्स और उस स्टॉक के बारे में जानेंगे। देखिए, वोडाफोन आइडिया इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिल रहा है। अभी देख सकते हैं कि वन वीक में ये स्टॉक जो है यहाँ से 8.50 रुपीज़ से 9.70 रुपीज़ तक पहुँच चुका है। क्या अभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब अभी ये शेयर आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि इसका ये नीचे सपोर्ट लेवल है और ऊपर यहाँ रेसिस्टेंस है 13 रुपीज़ तक। क्या ये स्टॉक जा सकता है फिर से, पहले इसको 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से क्लोज होने दीजिए, उसके बाद आप इसमें 13 रुपीज़ के टारगेट के लिए न्यूज अच्छा खासा आता है तो बाय कर सकते हैं। बिना न्यूज का ये स्टॉक मूव नहीं करेगा, अगर पॉजिटिव न्यूज आता है कुछ भी। देखिए, इस कंपनी के ऊपर डेट काफी ज्यादा, अगर डेट अभी हट जाए तो इस स्टॉक को मैं बहुत सारी क्वांटिटी बाय कर लूंगा, जितना मेरे पास होगा, मतलब अपने रेशियो के हिसाब से 5% कैपिटल इसमें लगाना है तो उस अनुसार से मैं तुरंत इसमें बाय कर लूंगा। लेकिन इस स्टॉक में जो डेट है वो डेट काफ़ी बड़ा बर्डन है इस स्टॉक के ऊपर, तो जब तक ये कंपनी अपने डेट को रिमूव नहीं कर पाती है तो थोड़ा बहुत दिक्कत है। ऐसे अगर मेजर ट्रेंड देखेंगे तो देखिए, ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करना बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। ये जो अप ट्रेंड का जो ट्रेंड लाइन था, जो स्टॉक ऊपर मूव कर रहा था उसका जो ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है। यहाँ हो सकता है एक हाई बनाए और यहाँ से, यहीं से ये जो प्राइस है इसी 10 रुपीज़ से रेसिस्टेंस लेकर वापस आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये 10 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन कर जाता है, ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे देता है, तो फिर हमें इसे 13 रुपीज़ के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं और जो रेसिस्टेंस होगा वो आपका यहाँ पर रेसिस्टेंस हो जाएगा 8 रुपीज़ के नीचे। देखिए, ऐसे हम कहेंगे कि आपको ये पैनी शेयर्स बाय नहीं करना चाहिए। अगर पैनी शेयर से ही बाय करना है तो पैनी शेयर्स में भी काफ़ी अच्छे शेयर्स हैं, आप उन अच्छे शेयर्स को चुनिए जो कि छोटे लेवल पे कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, अच्छा बिजनेस कंपनी कर रही है, तो आप उन शेयर को बाय कर सकते हैं। अगला है सुजलॉन एनर्जी। देखिए, सुजलॉन एनर्जी जो है यहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ दिखाया है, देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें जो कुछ पॉजिटिव न्यूज है, इसका एक प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट जो है वर्किंग आया है, इसके कारण इसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है। और तो सुजलॉन एनर्जी को चाहे तो आप बाय कर सकते हैं, अगर आपको पैनी स्टॉक्स ही बाय करना है, अगर बाय करना पसंद है। लेकिन हम तो कहेंगे आपको बाय नहीं करना चाहिए, अगर बाय करना ही है तो इसको देखिए 8.50 रुपीज़ के ऊपर निकलता है तो इसको बाय करेंगे। अगला पहला टारगेट होगा 13 रुपीज़ का और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 20 रुपीज़ का, तो इस दो टारगेट के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारा रिलायंस पावर। रिलायंस पावर में देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ तेज़ी दिखा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर कमेंट आते हैं कि रिलायंस पावर के बारे में बताएं, रिलायंस पावर के बारे में बताइए। देखिए, इस स्टॉक में कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका जो एसर्ट है, मतलब इसका जो पूंजी है कंपनी का, वो ही खत्म हो चुका है। तो ये ऐसे आपको ट्रैप कर सकता है, यहाँ पर जो ऑपरेटर होते हैं वो ऑपरेटर इस स्टॉक को चला रहा है, तो थोड़ा सा इसमें मतलब फाइनेंशियल जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव दिखा दिया है, उसके कारण भी तेजी है। अगर ये 10 रुपीज़ को यहाँ क्रॉस करने में सफल होता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 16 रुपीज़ तक जा सकता है, तो ये इसमें मतलब हमारा टारगेट होगा कि ये 10 रुपीज़ को क्रॉस करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 16 रुपीज़ तक जा सकता है, और कुछ खास इस स्टॉक में मिलने वाला आपको नहीं है। उसके बाद अगला है मैजेस्को लिमिटेड। मैजेस्को देख सकते हैं कि ये मैजेस्को जो है कंपनी बंद होने वाली है, तो इस स्टॉक को बाय नहीं करना बेहतर है, क्योंकि कंपनी ही क्लोज होने वाली है तो इसी तरह ये मूव कर रहा है, क्योंकि इस कंपनी के पास 100 करोड़ का एसेट है, उसको बेच करके शेयर होल्डर को देना है, उसके बाद कंपनी क्लोज हो जाएगी। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, अब कुछ खास कंपनी में है ही नहीं, तो 100 करोड़ रुपये का एसेट है जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को रिटर्न करेगी, उसके बाद क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं 12 रुपीज़ से ये स्टॉक यहाँ पर डिविडेंड के बाद 960 रुपया के बाद ये डायरेक्ट यहाँ पर ओपन होता है 12 रुपीज़ पर, और 12 रुपीज़ से ये लगातार यहाँ पर जर्नी जो इसका 120 रुपया तक रहा, और वहाँ से फिर से ये स्टॉक देखते हैं 60 रुपीज़ तक यहाँ पर करेक्ट हो गया, और करेक्ट होने के बाद ये स्टॉक यहाँ पर लगातार कंसोलिडेट होने के बाद आज तेजी दिखाया। तो इसमें आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, क्योंकि कंपनी ही क्लोज हो जाएगी, बाय करने से लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, तो इसको अवॉइड करेंगे। उसके बाद टाटा पावर, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, आप देखिए यहाँ पर ये टाटा पावर इस लेवल पर आ रहा है, जहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमें ज़बरदस्त तेज़ी इसमें देखने मिलेगा। अगर देख सकते हैं
107 से ये ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट होगा इसमें 135 का, और 135 से लेकर के 50 के बीच, 135 से 150 के बीच इसका रेसिस्टेंस है। अगर 150 को क्रॉस करता है तो फिर आपको इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिलेगा, लगभग 200 तक आने में कोई भी टाइम नहीं लेगा, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी, क्योंकि यहाँ 200 को ये क्रॉस करता है तो लगभग देखते हैं 2008 का जो रेसिस्टेंस है उसको ब्रेक करेगा, इतने साल का लगभग 12-13 साल का जो रेसिस्टेंस है उसको ब्रेक करता है तो फिर इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिलेगा। लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लगेगा क्योंकि अभी स्टॉक तो यहीं पे है, 100 प्राइस पे ही ये देख सकते हैं इस पर यह सस्टेन कर रहा है। अगर 100 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट होगा हमारा इसमें 135 का, फिर ये यहाँ पर हम वेट करेंगे। अगर ये क्रॉस करने में सफल होता है इस रेसिस्टेंस को 150 के ऊपर को, तो फिर इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिलेगा, फिर हम इसको जो नेक्स्ट स्विंग होगा, जो भी स्विंग दिखाइए 200 तक 250 तक उसके लिए बाय करते हैं, क्योंकि पिछले 12 से 15 साल का जो रेसिस्टेंस है उसको ब्रेक करेगा ये स्टॉक। उसके बाद अगला है जियोजित फाइनेंस सर्विस। देखिए अभी पावर सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर इसमें काफ़ी गजब तेज़ी देखने मिल रहा है, और अभी कुछ महीने तक इसमें गजब तेज़ी देखने आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पर देख लीजिए तो पावर सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर, तो फाइनेंस सेक्टर में टाटा पावर आपको काफ़ी बेहतरीन स्टॉक बताए, और देखिए फाइनेंस सेक्टर में जियोजित फाइनेंस जो है काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, जियोजित फाइनेंस। और ये स्टॉक यहाँ पर देखिए नाम यहाँ पर कॉर्नर में भी आप देख सकते हैं, ये सिंबल को आप सर्च करेंगे तो ऐसे भी हम आपको बोल ही देते हैं, जियोजित फाइनेंस जो है काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी इसमें देखने मिल रहा है। ऐसे भी ये स्टॉक देखिए अब ट्रेंड में है, अगर यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये ज़बरदस्त देखिए ट्रेंड लाइन में ये जो ज़बरदस्त यहाँ पर मोमेंटम दिखा रहा है, और इस ट्रेंड लाइन के पास कभी भी आता है आप बाय कर सकते हैं। ये सारे रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है तो यहाँ पर जब भी ये मतलब यहाँ से ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट जो इसमें होगा 100 रुपीज का होगा, तो यहां से लगभग समझ जाइए कि 40% तक का यहां से अप ट्रेंड इसमें पॉसिबल, अभी तक यहां से लगभग 40% का मूव ये दिखा सकता है 100 रुपीज तक, तो काफी जबरदस्त जो कि हमारा टारगेट होगा। उसके बाद अगला है हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए अब जो भी स्टॉक आएगा वो काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है। देखिए हिंदुस्तान लिवर जब भी गिरावट पर मिले आपको, देखिए इसमें 2200 रुपये के नीचे जब भी मिले तो आप इसको बाय कर सकते हैं, 2200 के नीचे जिस लेवल पे जितना नीचे मिले उतना आप इसमें बाय कीजिए, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन है, और यहाँ से ये ज़बरदस्त मूव दिखा सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। देखिए ये अभी इस बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, अगर इस बॉक्स को ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट आने वाला है, क्योंकि FMCG सेक्टर के सारे स्टॉक में अभी जो है करेक्शन चल रहा है, मतलब काफ़ी लंबे समय से FMCG सेक्टर मूव नहीं किया है, तो आने वाले समय में काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट देखने मिलेगा इस सेक्टर में। वहीं अगला स्टॉक है हमारा ब्रिटानिया। ब्रिटानिया भी जब तक ये 3400 के नीचे मिल रहा है तो बाय करते रहिए, देखिए 3400 के नीचे ये जब भी आता है देखिए बहुत काफ़ी तेज़ी से ये जंप करके लगभग 3500 के ऊपर या उसके आसपास चला जाता है, तो जब भी ये 3400 रुपया मतलब 3400 के नीचे जब भी मिले तो आप इसको बाय करते रहिए। ये सारे स्टॉक हर गिरावट में बाय है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रिटानिया इस दोनों को बाय करते रहिए, दोनों का लेवल मैंने बता दिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर 2200 रुपये के नीचे और 3400 रुपये के नीचे ब्रिटानिया को। उसके बाद IRCTC काफ़ी ज़बरदस्त लेवल पे खड़ा है, जो कि हमने पीछे भी वीडियो बनाया था, अगर ये 2000 के ऊपर यहाँ पर क्रॉस कर जाता है तो इसका लेवल भी मैंने आपको बताया था वहाँ पर कैलकुलेट करके कि ये यहाँ पर जो लेवल होगा 2700 हमारा पहला लेवल होगा, अगर ये 2000 के ऊपर निकलता है, अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है और इसका बिजनेस नॉर्मल रूप से चलने लगता है तो फिर ये 3000-4000 तक के लेवल को दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, हर गिरावट में बाय करते रहिए। अगला स्टॉक है इंडिगो। देखिए इंडिगो अभी इंटर ग्लोबल एविएशन, इंडिगो जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं इंटर ग्लोबल एविएशन, इस कंपनी का पूरा नाम है, तो ये स्टॉक भी काफ़ी ज़बरदस्त है। देखिए ये इस सपोर्ट लेवल पे, यहाँ जो सपोर्ट लेवल इसका, इस सपोर्ट लेवल पे ये स्टॉक काफ़ी बार आया, तो या आप यहाँ चाहते तो बाय कर सकते हैं, या यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन को बना रहा है, और इस ट्रेंड लाइन को अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, अगर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पर जो ये टारगेट दिखाएगा अगला 2500 रुपये तक का टारगेट ये दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 900 से 700 है, 1700 में 800 जोड़ दीजिए तो 2500 ऐसे भी साइकोलॉजिकल लेवल है तो 2500 रखेंगे, उसके ऊपर नहीं रखेंगे तो 2500 तक का लेवल ये आसानी से यहाँ से दिखा सकता है अगर इस 10 लाइन को ये ब्रेक करता है।
लेकिन अगर गिरावट मिलता है तो इस सपोर्ट के पास कभी भी हो सकता है इसमें गिरावट भी हो, या तो ये ऊपर जाएगा यहाँ से या तो ये नीचे आएगा, दो ही कारण हो सकता है। यहाँ पर रेसिस्टेंस पे खड़ा, या तो इस रेसिस्टेंस को ये ब्रेकआउट करेगा या इस रेसिस्टेंस को यहाँ पर रेसिस्टेंस लेकर के नीचे आएगा, तो फिर आपको यहाँ पर जिस प्राइस पे मिले 1000 के आसपास उसके नीचे मिले तो और बढ़िया, लेकिन 1000 तक मिले तो आप आराम से इसमें इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसे बहुत कम उम्मीद है ये स्टॉक आपको नीचे मिलेगा, क्योंकि इसके पास अभी जो सपोर्ट नीचे अब बनेगा वो सपोर्ट होगा 1400 रुपये का। 1400 रुपये अब जो है इसका सपोर्ट का काम कर सकता है, 1400 को ब्रेक करेगा तभी आपको 1000 तक का लेवल दिखा सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है इस स्टॉक में। ये स्टॉक सारे जो है जैसे पैंडमिक खत्म होगा सबसे पहले भागने वाले हैं। IRCTC इंडिगो हो गया, आपको PVR हो गया, INOX हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये स्टॉक PVR, देखिए ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, और ये जैसे पैंडमिक खत्म होता है तो ये भी स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम दिखाएगा। देखिए ये इसका सपोर्ट लेवल है 1030 रुपीज़ जो है इसका सपोर्ट लेवल है, और ऊपर में ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। ये जो 200 मूविंग एवरेज है ये इसके रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके ऊपर अच्छे से क्लोज हो जाता है तो फिर ये यहाँ से मतलब मोमेंटम दिखा सकता है, या कहें कि ये 1450 रुपये के ऊपर क्लोज होता है, 1450 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर ये ज़बरदस्त मोमेंटम दिखा सकता है। और इसमें जो अगला टारगेट होगा हमारा तब 1800 का होगा। अगर ये 1450 रुपये के ऊपर सस्टेन हो जाता है अच्छे से तो फिर ये हमारा 1850 का लेवल दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में जो इसका टारगेट होगा वो 2000 रुपीज़ के ऊपर होगा, क्योंकि ये देखते हैं ये ऑल टाइम हाई है। तो लॉन्ग टर्म में ये हमारा टारगेट होगा, शॉर्ट टर्म में जो टारगेट होगा वो 1800 का होगा। उसके बाद INOX लेजर, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। देखिए दोनों के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है, अभी जो PVR और INOX के बात करें तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा डेट बर्डन से मतलब लग चुकी है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है पूरी तरह से बंद है, तो कंपनी के ऊपर काफ़ी डेट बढ़ा है इस पैंडमिक के कारण। और वहीं में INOX भी देख लीजिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रेसिस्टेंस पे खड़ा है 320 रुपीज़ पर। 320 को निकालता है तो निश्चित है ये यहाँ से लेकर 380 तक मूव कर सकता है इजीली, और लॉन्ग टर्म में ये जो आसानी से 450 का टारगेट यहाँ दिखा सकता है। 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, जब तक 500 के ऊपर अच्छे सस्टेन निकलता है तब तक 500 के ऊपर का मोमेंटम हम नहीं देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ INOX लेजर, देखिए यहाँ पर डेट बर्डन जो काफ़ी डेट टू इक्विटी 4.44 का हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा डेट हो चुका है। वहीं PVR की बात करें, ये देखिए डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है 2.59 का। तो जो PVR है INOX है दोनों में डेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो डेट बर्डन काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ये सारे स्टॉक जो अभी आपको मोमेंटम दिखाने में काफ़ी ज़्यादा विलंब करेंगे। देखिए उसके बाद अगला है हमारा VIP इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। जैसे पैंडमिक ख़त्म होता है तो ये भी स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम दिखाने वाला है, क्योंकि जो टूरिज्म सेक्टर है तो टूरिज्म सेक्टर से जो भी रिलेटेड स्टॉक है जैसे होटल्स हो गया, और जो ये लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि टूरिस्ट से रिलेटेड लॉजिस्टिक ज़्यादा यूज हो करते हैं इस कंपनी के, तो ये स्टॉक में ज़बरदस्त मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। तो यह भी ये देख सकते हैं, ये भी स्टॉक यहाँ का काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस फेस कर रहा है 400 रुपीज़ पर। 400 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो फिर आप इसको जो है 480 रुपीज़ 90 रुपीज़ के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता है तब तक वो मोमेंटम नहीं दिखाएगा, तो जब 500 के ऊपर जाएगा तो आप नेक्स्ट टारगेट जो है 620 रुपीज़ के लिए बाय कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में 620 रुपीज़ हमारा टारगेट होगा, शॉर्ट टर्म में जो इसमें टारगेट होगा हमारा वो 480 490 का। कब ये स्टॉक मूव करेगा 480 तक? जब तक कि ये 400 के ऊपर सस्टेन निकल जाता है, क्योंकि ये 400 देखते हैं इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। वहीं नीचे स्टॉक का जो रेसिस्ट सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट रीजन इसका यहाँ पे है, देखते हैं सपोर्ट रीजन 300 के पास है। तो अभी स्टॉक जो काफ़ी दिनों से ये 300 और 400 के बीच देख सकते हैं ट्रेड कर रहा है, लगभग 10 मंथ से ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, 300 से 400 के रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक। तो जब तक किसी रेंज को ब्रेक नहीं करता, मतलब ऊपर 400 को ब्रेक कर दे नीचे 300 को ब्रेक करता है तो फिर एक बड़ा गिरावट हो सकता है, लगभग ये स्टॉक 180 तक गिर सकता है अगर 300 को ब्रेक करता है नीचे की ओर। 400 को ब्रेक करेगा तो 480 90 तक का टारगेट हमें दिखाएगा ये स्टॉक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक थे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।